और छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी शुरू हो चुकी है। वहीं बालोद में धान खरीदी केंद्रों पर लोगों को बुनियादी सुविधा देने के साथ साथ किसानों की उपज का सही मूल्य देने के लिए सरकार किसानों से समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन कर रही है, जिसको लेकर किसानों में काफी उत्साह भी देखा गया है। इसके साथ ही किसानों के लिए टोकन सिस्टम शुरू कर दिया है, जिससे कि वो घर बैठे ऑनलाइन के माध्यम से टोकन कटवा सकते हैं। माननीय भूपेश बघेल जी की सोच ये है कि किसान भाई लोग कैसे उनको सभी प्रकार की सुविधा प्राप्त हो। लोग अपने धान को बेचने के लिए आते हैं, धूप में खड़े रहते हैं और यहाँ किसान कुटीर में सर्व सुविधा उपलब्ध है। ये तो जो सोसाइटी अध्यक्ष है उनके द्वारा किया जा रहा है और ये बहुत ही अच्छा है। अगर वो अपनी शिक्षा से अगर सहयोग करना चाहते हैं, लोगों का हेल्प करना चाहते हैं और चाय व्यवस्था है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ किसानों के मानों के लिए चाय की व्यवस्था की गई है और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी है और बारदाने की समस्या इस साल नहीं है। सरकार पूरे बारदाना का पूर्ति कर रहे हैं और खरीदी 17,000 क्विंटल खरीदी हुआ है और परिवहन की भी अच्छी व्यवस्था हुई है। परिवहन 17,000 क्विंटल में 13,000 क्विंटल उठाव हो चुका है और बाकी उसका भी आरोप कट गया है। हमारी समिति के प्राधिकृत अधिकारी जो भूषणपुरी गोस्वामी जी हैं वो डेली 8:30 बजे आते हैं और जल्दी ही किसानों को बता दिया गया है कि अब जल्दी धान खाली करिए और जल्दी आइए।